तो देखिए ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। कहते हैं कि सियासत में हर बात में तस्वीरों के जरिए अंदेशा, उसके बाद उसका पुख्ता होना हो जाता है। नौवीं बार, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार ही जरूरी है। वो विश्वसनीय चेहरा है। उनके ऊपर जिस वोट बैंक की बात की जाती है, जिस आंकड़े की बात की जाती है, वो आंकड़ा जो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा होता है, वो नीतीश कुमार के पास होता है। और इसीलिए चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, जरूरी नीतीश कुमार ही हो जाते हैं। और इस बार अगर शाम 4 बजे जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेंगे, क्योंकि 8 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दे दिया, इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। बीजेपी के साथ मिलकर 9वीं बार नीतीश कुमार, जी हां, ये जो एक लाइन बिहार में आपको हर बार सुनने को मिलती है कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार, तो एक बार फिर से वही तस्वीर आपको दिखेगी। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह आपको नजर आएगा। 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार में आपको मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे। राज्यपाल को सीएम नीतीश ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि अब कोई धुंध नहीं, अब कोई संशय नहीं, और ऐसे में एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आता हुआ कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का काम करना मुश्किल हो रहा था। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन क्या कुछ कहा जरा वो भी बताइए। हेलो आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा सौंप दिया गया, यानी कि इस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, शपथ ग्रहण होगा, फिर बतौर 9वीं बार मुख्यमंत्री वो नजर आएंगे? नहीं, मुख्यमंत्री तो है, इस्तीफा देने के बावजूद जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है वो निभाना पड़ता है, और कार्यवाहक दायित्व वो निभाएंगे। फिलहाल जो राजभवन की तस्वीर है वो देखिए, जो बैरिकेडिंग की गई है, वहां से मीडिया पर्सन को निकाल दिया गया है, और अंदर उनके साथ जो बिल्कुल मंत्री गए हैं। बिल्कुल संजय, पहुंचूंगी आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आनंद के पास पहुंच रही है। आनंद, बैठक में ऐसी चर्चा कि नीतीश कुमार ने कहा अपने विधायकों के सामने कि आरजेडी के साथ काम मुश्किल लग रहा था। विवाह, उससे भी बड़ी खबर है, नीतीश कुमार राजभवन जब इस्तीफा देने जा रहे थे, उसके पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक, और उसी दौरान नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। जी हां, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, और उसके बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन रवाना हो गए। एक बड़ी खबर है जो हम लोग लगातार इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा रहे थे, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, और उस फोन में नीतीश कुमार को बधाई दी गई, और बाकी बातें क्या हुई ये तो फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने फोन किया, और फोन करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। विभा, इससे बड़ी खबर अभी के लिए फिलहाल कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि कई तरह की चर्चा चल रही थी बीजेपी के स्टैंड को लेकर, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, कई तरह की चर्चा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का फोन नीतीश कुमार को आता है, नीतीश कुमार से उनकी बातचीत होती है, और बातचीत के बाद नीतीश कुमार अपने इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन रवाना हो जाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, और यूं कहें कि सबसे बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आनंद दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त अपने विधानमंडल दल की